हे गाइस, वेलकम टू टुडे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे आप लोगों को पता है कि टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई जा रही है, तो ये लोअर पीसीएस की जो टेस्ट सीरीज मैंने आपको दी थी टेलीग्राम चैनल पे, तो उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग सॉल्यूशन का वेट कर रहे होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो हम सॉल्यूशन तो करेंगे ही, साथ में मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते हुए चलूंगा जो भी चीज़ें हमने क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना, क्योंकि उससे रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सॉल्यूशन के साथ साथ, ताकि आपकी वीडियो जो वैल्यूबल हो, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे साथ साथ में आपके एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर अप करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द जवाहरलाल नेहरू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार आपके क्या हुए थे, जो जवाहरलाल नेहरू थे वो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुए थे उसमें पहली बार क्या बने थे आपके अध्यक्ष, तो वो आपका आंसर है 1929 को बने थे, ठीक है। ये लाहौर का सेशन था, ठीक है, लाहौर का अधिवेशन था 1929 का लाहौर का। और 1929 के जो लाहौर अधिवेशन में थे, है ना, आपको पता है साइमन कमीशन आए थे, लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी, उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था, जब 1929 का अधिवेशन हुआ था तो किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, जेएल नेहरू ने क्या किया था, ठीक है, रावी नदी के तट पर उसका जो पानी था उसकी जल लेके क्या करती, कसम खाई थी और पूर्ण स्वराज की बात की थी, ठीक है, पूर्ण स्वराज के बारे में बात की थी, सॉरी, तो किसके बारे में बात की थी, पूर्ण स्वराज के बारे में बात की थी, क्योंकि हमें अब पूरा स्वराज चाहिए, अब हमें ना हम डोमिनेंस बनेंगे ना हम वो लेंगे, हम पूरा स्वराज खुद ही करेंगे, हम खुद स्वराज करेंगे, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। फिर आप बात करते हैं, वेंड इन द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया कम टू इन टू एग्जिस्टेंस, मतलब पहली हमारी जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी ना वो कब आई, तो आपको ध्यान रखना है ये अप्रैल 1948 में आई थी। और कब कैसे आई थी ये, तो हमारे कौन थे आपके, एक थे इनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या किया था, हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी को सबसे पहले लाए थे। इनका एम था कि जो हमारी इंडस्ट्रीज है ना उनका डेवलपमेंट होना जरूरी है ना, तो उन्होंने क्या किया था, एक पॉलिसी लेकर आए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी अप्रैल 1948 में क्या हुआ था, एक पॉलिसी लेके आए थे जिसका एम था क्या, डेवलपमेंट करना। तो फर्स्ट डेवलप अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपसे पूछी जाती है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1948 में लेके आई गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा था फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, रेजोल्यूशन, अगर आपसे रेजोल्यूशन के बारे में बात करें, आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे रेजोल्यूशन के बारे में बात करेगा तो वो 1956 में आया था। अगर आपसे ये पूछे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन तो वो 1956 में आया था, ठीक है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर रेजोल्यूशन पूछता है 1956, अगर पॉलिसी पूछता है तो वो 1948 में आई थी अप्रैल में, किसके द्वारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा आई थी। फिर आपसे पूछा है कि विच कंट्री पार्लियामेंट बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू रन एंटायरली ऑन द सोलर पावर, तो आंसर है पाकिस्तान। ये आपके 2016 में आपके नवाज शरीफ क्या थे उस समय वहाँ के आपके पीएम थे, तो उन्हीं के उसमें आई थी। और पाकिस्तान ही ऐसे कंट्री है जिसने पूरी की पूरी उनकी पार्लियामेंट जो है वो सोलर पावर में आती है, ठीक है ना। अच्छा, इनका नाम, अच्छा इनकी पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो उसका नाम है मजलिस ए शूरा, ठीक है, मजलिस ए सूरा इनकी पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सिटी हैज बिकम द परमानेंट वेन्यू फॉर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया, सब जानते हैं गोवा, ठीक है, गोवा को इन्होंने क्या बना दिया है, परमानेंट फिल्म फेस्टिवल बना दिया इंडिया का। फिर आया इन विच सिटी ऑफ द इंडियन फर्स्ट मोनोरेल बनी थी, ठीक है, मोनोरेल वाज टेस्टेड इन द फरवरी 2014, तो फरवरी 2014 में सबसे पहले जो मोनोरेल का हुआ था वो हुआ था मुंबई में, ठीक है, मुंबई में पहली रेल का क्या हुआ था, मोनोरेल का क्या हुआ था, टेस्ट हुआ था। फिर आगे चलते हैं, वेयर डिड द गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट, सब जानते हैं कि बोधगया में, ठीक है, बोधगया में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, इसका आंसर बोधगया जगह, चलो ठीक है ये देख लेते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ सर्वस्ती क्या है फिर, देखो सर्वस्ती एक जगह है कहाँ, उत्तर प्रदेश में, जहां पे क्या हुआ सबसे ज्यादा इन्होंने अपने क्या दिए हैं, प्रवचन दिए हैं, ठीक है, इन्होंने सबसे ज्यादा प्रवचन कहाँ पे दिए हैं, सर्वस्ती में दिए, ये कहाँ है, यूपी में, लुम्बिनी का है जहाँ पे क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, है ना, बर्थ हुआ था इनका। और यहीं पे अशोक ने क्या किया था, 1/12 कर दिया था, ठीक है, 1/12 लगान कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो 1/12 मतलब जो लगान था उसका 1/12 हिस्सा कर दिया था,
और ये इनको जो इसके हमें मिलता है, ये क्या मिलता है, रूमी नी दई जो स्तंभ है, रोमनी दई एडिक्ट में ये मेंशन है कि जो वहां का लगान होगा वो 1/12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर सकते हैं, हु इज द कंसीडर्ड एज द लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस। देखो भाई, लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस किसे कहा जाता है, तो इसका नाम है चार्ल्स मेटकाफे। तो चार्ल्स मेटकाफे ने क्या किया, देखो सबसे पहले ना 1923 में क्या हुआ था, 1923 में एक बंदे थे जिनका नाम था जॉन एडम्स। ठीक है, जॉन एडम, इन जॉन एडम ने क्या कहा था, 1923 में एक रूल लेकर आए थे कि भाई अगर आपको कोई भी क्या करना है, प्रेस कर लेना पड़ेगा, तो उसके लिए आप एक कंपल्सरी कंपल्सरी ठीक है कंपल्सरी क्या क्या था, लाइसेंस लाना लेना पड़ेगा कि अगर आप लाइसेंस नहीं लोगे तो आप कोई भी चीज पब्लिश नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये 1923 में लेकर आए थे। तो फिर क्या हुआ था, मेटकाफ ने, तो मेटकाफ ने क्या कहा था, 1823 हो गई है, ठीक है 1823। तो 1835 में क्या हुआ, मेटकाफ ने क्या किया था, इसको अबॉलिश कर दिया था कि आपको कोई भी कंपलसरी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है अगर आपको कोई चीज पब्लिश करनी है। तो जॉन एडम्स ने 1823 में लाए थे, जिससे क्या हुआ था, इंडियन प्रेस पे क्या हो गया था, बैन लग गया था। ठीक है ना, क्योंकि उन्हें कंपलसरी लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन मेटकाफ ने 1835 में इसको क्या कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था। ठीक है, होप सो आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा द नंबर ऑफ द तीर्थास इन द अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में कितने तीर्थास को मेंशन किया गया है, तो ये इसका आंसर है 18। तो 18 कितने हैं आपको ध्यान रखना है, ठीक है 18 तीर्थास हैं जो अर्थशास्त्र में मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ दिस फॉलोइंग सुल्तान, ठीक है कौन सा सुल्तान वर द फर्स्ट सुल्तान हु स्टार्टेड द ट्रांसलेशन ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द हिंदू द पर्शियन लैंग्वेज। इनमें से कौन सा ऐसा क्या है, ठीक है ऐसा कौन सा किंग है जिसने क्या किया, जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट है, जैसे महाभारत हो गया है ना, आपका रामायण हो गया, इनको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक था, इसको ध्यान रखना आपको। ठीक है, फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो देखो फेरोमैग्नेटिक, जब भी आप फेरोमैग्नेटिक, तो तीन चीज आपको हमेशा याद रखनी है, आयरन निकल कोबाल्ट, ये तीन हमेशा फेरोमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, और इनके अलावा क्या होते हैं, एलॉयज। अब देखो बताओ एलॉय कौन है इनमें से, आयरन हो गया, कोबाल्ट तो आपको पता चल गया कि तो फेरोमैग्नेट होते ही है, अब मैंने बोला एलॉय भी होता है, तो स्टील क्या होता है, एलॉय होता है, तो स्टील भी मतलब क्या है, फेरोमैग्नेटिक होगा। तो आंसर क्या होगा कि नहीं है इनमें से कौन सा फेरोमैग्नेट नहीं है, तो कॉपर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मे बी एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सर्फेस इफ द लाइट फॉलिंग ऑन, तो आपको पता होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, सपोज ये है तो यहाँ से कोई लाइट आई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी ना वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो उसका मतलब है तभी एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा जब उसकी वेवलेंथ क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में भी एमिटेड फ्रॉम द मेटल इफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट हैज स्मॉलर वेवलेंथ, तो देखो आपको पता है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसकी क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे मैंने बोला उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, आपने पढ़ा भी होगा E इज इक्वल टू एच न्यू बोलते हैं हम, ठीक है ना, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट बोल देते हैं, फिर इसमें से हम कॉमन लेते हैं, आपको पता होगा आपने 10th में अगर साइंस पढ़ी होगी तो। अदरवाइज आप ही ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो उसी लाइट की क्या होती है, वेवलेंथ कम हो जाती है, वेवलेंथ स्मॉल होती है, तो तभी जाके वो निकलेगा जब यहाँ पे स्मॉल वेवलेंथ होगी, क्योंकि यहाँ पे उसने ना फ्रीक्वेंसी के बारे में बात नहीं किया, यहाँ पे वेवलेंथ के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु वॉज द कमांडर ऑफ द इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ था, आपको पता होना चाहिए 1757 में जब सिराजुद्दौला की क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी, ठीक है ना, तो बैटल ऑफ क्या हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब बैटल रॉबर्ट क्लाइव, तो बैटल ऑफ प्लासी में कौन था हमारा, वो रॉबर्ट क्लाइव था। अब रॉबर्ट क्लाइव 1757 में था, उसके बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। ठीक है, तो अंग्रेजों की पॉलिसी इस तरह से थी कि क्या वहां के जो नव, उस समय क्या था, बंगाल का नवाब था, उसका नाम कौन था, मीर कासिम, मीर कासिम। तो मीर कासिम के साथ उनका क्या था, बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार हो रहा था, तो मीर कासिम ने जाके मुगल शासक जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय, और एक था अवध का नवाब, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ 1764 में एक लड़ाई छेड़ दी। ठीक है, उस लड़ाई को छेड़ दिया, ठीक है, उस लड़ाई को क्या कर दिया, छेड़ दिया इन्होंने। अब छेड़ दिया तो क्या हुआ, उस समय का जो कमांडर था उसका नाम था हेक्टर मुंडरो, हेक्टर मुंडरो। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, बैटल हार जाते हैं, हेक्टर मुंडरो ने तीनों को क्या कर दिया था, हरा दिया था इनकी कंबाइंड फोर्सेस को, मीर कासिम, शाह आलम टू को, और अवध का जो नवाब था। ठीक है, हेक्टर मुंडरो ने तीनों को हरा दिया था,
और बैटल ऑफ बक्सर जीत गए। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए ना कि भारत में अगर अंग्रेजों की बिल्कुल नींव नींव कहां से पड़ गई थी, तो उसे बैटल ऑफ बक्सर ही माना जाता है, क्योंकि इसके बाद ना इसके बाद इन्हें दीवानी अधिकार भी मिल गए थे 1765 में। इन्हें क्या कर लिया, दीवानी अधिकार भी मिल गए थे। दीवानी मतलब टैक्स कलेक्शन के लिए दीवानी अधिकार इनको मिल गए थे 1765 में आफ्टर द बैटल ऑफ, ठीक है, कौन बक्सर। तो इसे बोलते हैं कि भारत में कंफर्मेशन कौन सी बैटल करती है, अंग्रेजों की कंफर्मेशन कौन सी बैटल करती है जिससे इनका क्या पड़ गया था, नींव पड़ गई थी, तो वो बैटल ऑफ बक्सर ही बुलाता 1764 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज नॉट असाइन टू द इक्तदार्स बाय द अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ का जो रीजन था उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which is the biggest gold coin in the region of the Akbar? तो देखो भाई, सबसे बड़ा सोने का क्वाइन जो था वो क्या था, सहनशाह बोलते थे। ठीक है, सहनशाह, ये जो सहनशाह था लगभग 101 तोले के बराबर, ये इतना बड़ा क्वाइन था और ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, कमर्शियल, जैसे बहुत बड़ी कोई चीज खरीदनी है, वो करनी है, तो उसके यूज से सहनशाह यूज किया जाता था, और लगभग ये 101 तोले का अकेला एक सिक्का होता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, Who coined the word Pakistan? देखो, पाकिस्तान टर्म जो थी वो चौधरी रहमत अली ने की थी, कब, 1933 में दी थी। उसके बाद से ही ये पाकिस्तान का क्या हो गया था, मोस्ट कॉमन लोग बोलने लगे थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। तो सबसे पहली बार अगर किसी ने ये टर्म क्वाइन की थी तो वो 1933 में की थी, जिसको हम बोलते हैं चौधरी रहमत अली खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में आफ्टर द फेलिंग ऑफ द क्रिप्स मिशन। ठीक है, 1942 का जो वो क्रिस्प मिशन आया था, उसके बाद जो 1946 का कैबिनेट मिशन आया था। तो कैबिनेट मिशन के तीन जो बंदे थे जिनके उसमें आया था, एक सैमफोर्ड क्रिस्प, अलेक्जेंडर और पैथविक लोरेंस थे। तो साइमन कमीशन, जॉन साइमन ही थे, ये तो साइमन कमीशन का हिस्सा था जो 1927 में आया था, 1927 में फॉर्म हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कौन से तीन बंदों के वो थे, तो आपको याद रखें इन तीनों का नाम, सैमफोर्ड क्रिस्प, एवी अलेक्जेंडर और पैथविक लोरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो टेस्ट सीरीज में था वो था कि सन्यासी रेबिलियन, तो सन्यासी रेबिलियन के कौन सी किताब लिखी थी, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी, या चटर्जी बोल लीजिए, दोनों का नाम एक ही है। इन्होंने अपनी किताब जो आनंद मठ है इनकी, ठीक है, आनंद मठ है, तो क्या हुआ था, आनंद मठ में इन्होंने सन्यासी रेबिलियन के बारे में बताया है कि जो सन्यासी रेबिलियन था, ठीक है, जो ब्रिटिशों की जो ब्रिटिश क्या करते, जो इनके होली प्लेसेस थे ना, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, या उनके उसमें क्या करते, बाउंड कर रहे थे। तो सन्यासी रेबिलियन हुआ था या फिर फकीर रेबिलियन हुआ था, उसके बारे में इन्होंने आनंद मठ में लिखा था। ये बहुत ज्यादा स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ था उस समय ये बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच गैस एग्जिस्ट हाइज द कॉन्सेंट्रेशन इन द अर्थ एटमोसफियर, मतलब भारत सॉरी जो हमारा वायुमंडल में सब ज्यादा कौन सी है, तो वो आपकी हाइड नाइट्रोजन आएगी, लगभग 78% के आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लॉयन इज, तो जो हमारे एशियाटिक लॉयन जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके एशियाटिक लॉयन गिर फॉरेस्ट गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, और गिर फॉरेस्ट जो गुजरात में, वो कब स्टैब्लिश हुआ था ये भी अगर आपको याद रखना है, तो 1965 में गिर फॉरेस्ट जो था गुजरात में वो स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सा ज्यादा नहीं करता। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है, और मीथेन करता है, CH4 CFC, ठीक है, और CO2, ये तीनों के तीनों के हैं आपके ग्रीन हाउस में कंप्यूटर करते हैं। लेकिन यहाँ नॉट बोला है, तो हाइड्रोजन आपके उसमें ग्रीन हाउस गैस में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। फिर मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट, ये सबको पता है, ग्लेशियर पोलर आइस के इस रेस में है। ठीक है ना, ओके, डाई क्या होता है जो आपको पता ही है, डाई बोलते हैं ना, डाई कर दो आपका हेयर। तो ये प्रोलाइन, ऑर्लोन और इंडिगो आपके क्या होते हैं, कलर होते हैं जो डाई होते हैं। लेकिन निकोटीन क्या है, केमिकल सबस्टांस होते हैं जो आपके एडिक्टिव नेचर दिखाता है। ठीक है, दिस इज केमिकल सबस्टांस नॉट केमिकल निकोटीन। ठीक है, जैसे हमने पता होगा टी और आपकी टोबैको। ठीक है, टी में वैसे कैफीन ज्यादा होता है, निकोटीन बहुत कम मात्रा में होता है, पर टोबैको में आपने सुना होगा निकोटीन। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन ये एक लत भी होता है। ठीक है, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन इज द वन इज द डीपेस्ट ओशियन, तो सबको पता होगा कि डीपेस्ट ओशियन हम किस में बोलते हैं, ट्रेंच के हिसाब से बोलते हैं। ठीक है ना, कई लोग, अगर आपको पता नहीं होगा ट्रेंच क्या है, तो सपोज मैं मान लेता हूँ ये हमारा ओशियन है, अपर, ये ओशियन की जमीन हो गई ऐसे, तो कहीं पे क्या होगा कि ओशियन के नीचे धीरे धीरे करके ना ऐसे गड्ढे होंगे, ऐसे करके ऐसे होगा,
तो एक पॉइंट पे, जब ये क्या होगा, सबसे नीचे जिस पॉइंट पे होगा ना, इसको हम बोलते हैं डीपेस्ट। तो ये ट्रेंच कहलाती है, ठीक है ना। तो जो सबसे ज्यादा, सबसे डीपेस्ट कौन सा है, तो पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन में आपको पता है क्या है, मरीना ट्रेंच। दुनिया की सबसे गहरी जो ट्रेंच है वो कौन सी है, मरीना ट्रेंच, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इंडिया में क्या, अगर हम इंडियन ओशन के बारे में बात करें कि इंडियन ओशन में कौन सी सबसे गहरा ट्रेंच है, तो आपको याद रखना है जावा ट्रेंच, ठीक है। जावा ट्रेंच इंडियन ओशन का सबसे गहरा है। अगर मैं अटलांटिक ओशन के करता हूँ तो उसका नाम है पुर्तो रिको, ठीक है। कहाँ पे है, पुर्तो रिको, पुर्तो रिको। और कई बार आपसे ना एक और चीज बहुत फेमस पूछ लिया, सैंडविच, सैंडविच ट्रेंच, तो ये भी आपकी अटलांटिक ओशन में। लेकिन जो गहरी, अगर मैं पूछूं कि अटलांटिक ओशन का सबसे गहरा हिस्सा कौन सा, तो पुर्तो रिको। पैसिफिक ओशन का कहूं तो आप बोलोगे मरियाना ट्रेंच। मैं बोलूं इंडियन ओशन का सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा, तो जावा ट्रेंच। और कई बार आपसे पूछा सैंडविच ट्रेंच कहाँ है, तो सैंडविच ट्रेंच भी आपका अटलांटिक में। लेकिन अगर मैं सब में से डीपेस्ट पूछूं, तो आपका है मरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में। तो आप पैसिफिक ओशन का करेक्ट मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूशन ऑफ द पल्स। ये सबको पता है मध्य प्रदेश में ही होता है, ठीक है ना। फिर पूछा है आपसे राइस, ठीक है। राइस सबसे ज्यादा, देखो सबसे ज्यादा राइस होता है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल के बाद किस में होता है, उत्तर प्रदेश में, आपको ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के बाद किस में होता है, पंजाब में। तो ये आप तीनों चीजें याद रख सकते हो। तो सबसे ज्यादा राइस जो होता है वो हमेशा वेस्ट बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश, क्योंकि क्योंकि मध्य प्रदेश एक बड़ा स्टेट है। फिर बड़े स्टेट के कारण क्या है, यहाँ पे अगर हम पूछें कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्टेट एरिया परसेंटेज में, ठीक है ना, अगर हम बात करेंगे एरिया के हिसाब से कि किस में होगा, तो मध्य प्रदेश में। लेकिन दोस्तों अगर ध्यान रखना कि अगर मैंने कहा कि परसेंटेज के बेसिस पे कौन सा एरिया है, तो उसका नाम होगा मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं परसेंटेज में पूछ रहा हूँ, ठीक है, परसेंटेज में कौन होगा, तो आप बोलोगे मिजोरम। लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूँ कि लार्जेस्ट एरिया कौन सा है, तो आपका मध्य प्रदेश होगा। लेकिन मैंने बोला परसेंटेज को इंक्लूड कर दिया अगर मैंने बात को, तो मिजोरम इज द करेक्ट आंसर, इस बात का ध्यान रखना। नेम द स्टेट हैविंग द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर द 2011। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट है, तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसमें क्या है, आपकी लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं यूटी भी मेंशन कर देता, तो अगर यूटी अगर आपसे पूछा जाए, तो अंडमान निकोबार बोलेंगे। अगर पूरे भारत में सबसे ज्यादा लीस्ट डेंसिटी कहाँ है, तो वो अंडमान निकोबार में। अगर वो स्टेट में पूछ रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में। अगर वो यूटी में पूछ रहा है सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी यूनिट है जिसमें लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वो अंडमान निकोबार है। तो अगर सबसे हाईएस्ट डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है फिर बताओ, तो वो दिल्ली में है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अगर आपसे पूछा जाए यूटी में, तो दिल्ली में है, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ओके अच्छा, और कुछ बताया जा सकता है इसमें, चलो ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर आता है थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर है, सबको पता है डॉप्शन, ठीक है, डेसिबल साउंड की होती है, आपको उसको ध्यान रखना। और वेबर किसकी होती है, आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर होती है। डॉप्शन आपकी ओजोन की लेयर नाम लिख दे, डेसिबल आपकी साउंड की होती है। द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इन सी डिस्टेंस, सी डिस्टेंस क्या होता है, नॉटिकल माइल्स में हमेशा नापते हैं हम, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। फैथम किसकी होती है, ये गहराई की होती है, ये गहराई की, कितनी गहराई है समुद्र तल से, कितनी गहराई है, तो फैदम में बोलते हैं, ठीक है। और नॉटिकल माइल में हम डिस्टेंस में नापते हैं। तो नॉटिकल माइल जो डिस्टेंस में है, तो आप कई बार पूछता है कि एक नॉटिकल माइल कितने कितने किलोमीटर के इक्वलेंट, तो 1.8 किलोमीटर के इक्वलेंट के आसपास होता है, ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, है ना। ओके अल्फांजो, अल्फांजो इज ए वैरायटी ऑफ मैंगो। देखो भाई अल्फांजो क्या, एक मैंगो होता है, आपको पता होना चाहिए। जब पोर्तुगीज जो आए थे यहाँ पे, तो उनके क्या थे, एक गवर्नर था उनका, उनका नाम था अल्फांजो द अल्बुरोक, ठीक है, अल्फांजो द अल्बुरोक, तो वो लेके आए थे, उन्हीं के नाम पे ये अल्फांजो मैंगो पड़ा था। तो बेसिकली जो अल्फांजो क्या वैरायटी है मैंगो की, है ना, और एक पोर्तुगीज के गवर्नर थे जिनका नाम था अल्फांजो द अल्बुरोक, तो उन्होंने ही क्या क्या था ये मैंगो के ट्रीज लगाए थे आपके। द गंगा वॉज डिक्लेयर नेशनल रिवर ऑन, ये आपको सब पता है, 4 नवंबर 2008 में ये क्या कहता है, नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखोगे। द ऑथर ऑफ द वैली ऑफ द फ्लावर, ये किसने लिखी थी, ये फ्रैंक एस स्मिथ ने लिखी थी, क्या इस बात का ध्यान में रखना आप। बुग्याल्स, आपको पता है बुग्याल क्या है, हमारे द ग्रास लैंड इन द हाई हिमालयन एरियाज में हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, बुग्याल्स है, ठीक है। When was the reservation quota of for women in panchayat increased in 2008? 2008 में हमने इनको increase कर दिया था।
ठीक है, इन उत्तराखंड द रेवेन्यू पुलिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन 1854। देखो देखो पहले यहाँ पे रेवेन्यू पुलिस सिस्टम है, देखो पहले रेवेन्यू सिस्टम और एक होता है पुलिस सिस्टम। जो पुलिस सिस्टम जो थे वो 1860 में आया था, और जो रेवेन्यू को जब हमने पुलिस की पावर दे दी थी वो 1874 में भी थी, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर पूछा है कि ऑन विच डेट द उत्तरांचल वॉज नेम्ड उत्तराखंड, आपको सबको पता है 2007 में क्या कहता है, 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हाईएस्ट नंबर ऑफ द डेवलपमेंट ब्लॉक्स, ये है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा 11 क्या है डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, ठीक है, तो 11 ब्लॉक जो है वो अल्मोड़ा में, आपको ध्यान में रखना है। चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चमोली, चमोली में से स्टार्ट हुआ था 1973 में, ठीक है, 1973 में चमोली से स्टार्ट हुआ था आपका चिपको मूवमेंट, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी से बहुत ज्यादा फेमस थे, तो आप दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड प्रोड्यूस मैक्सिमम शुगर केन, तो आपको ध्यान में रखना है हरिद्वार, हरिद्वार में बेसिकली रुड़की, ठीक है, रुड़की और हरिद्वार में सबसे ज्यादा क्या है आपका शुगर केन आता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड बागनाथ टेम्पल, देखो बागनाथ टेम्पल कहाँ है, बागेश्वर में, बहुत ज्यादा फेमस है और अभी रिसेंटली किसी पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, द नेम ऑफ द द्रोणाचार्य, विच प्लेस इज द्रोणा घाटी, नोन एज अ द्रोणा घाटी, तो द्रोणा घाटी जो है ना वो आपका देहरादून को बोला जाता है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज कॉपर सिटी, उत्तराखंड में कॉपर सिटी किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है आपको अल्मोड़ा को, अल्मोड़ा को बोला जाता है कॉपर सिटी, आपको ध्यान में रखना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर केम इन टू द फोर्स ऑन, तो आपको पता होना चाहिए, देखो भाई ये हुआ था आपका आई थिंक 17 नवंबर 1956 में, डेट में भी थोड़ा चेंज हो सकती है, 17 नवंबर ना हो, पर नवंबर 1956 में क्या हुआ था, कश्मीर का जो वो हुआ था अडॉप्ट कर लिया था, आपको ध्यान में रखना है कि वर्ड पूछ क्या रहा है, अडॉप्ट कर लिया था, ले लिया था, ठीक है, लेकिन इनैक्ट कब हुआ, इंटैक्ट, इंटैक्ट मतलब लागू कब हुआ, तो वो 26 जनवरी 1957 को क्या हुआ था, लागू हुआ था, तो 17 नवंबर या फिर 7 नवंबर ऐसा कुछ है, आप देख लीजिएगा, 7 नवंबर या 17 नवंबर में से एक डेट है 1956 में, उसमें अडॉप्ट किया था, और 26 जनवरी 1957 को क्या हुआ था, लागू कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको सबको पता है 12 शेड्यूल है, ठीक है, ओके, विच इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज एनुअल पब्लिकेशन ऑफ, तो जो वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है ना, ये कौन कौन पब्लिश करता है, तो ये पब्लिश करता है आपका, ठीक है, UNCTAD, तो ये क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, ठीक है, सॉरी यूनाइटेड नेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ये आपका UNCTAD करता है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्यों, क्योंकि आपको पता है 1 जनवरी 2017 से कौन आपके नए सेक्रेटरी जनरल बने थे, उनका नाम था एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस आपके क्या है, आपके जनरल सेक्रेटरी है यूनाइटेड नेशन के। हाउ मेनी स्टेट आर परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के, कितने परमानेंट मेंबर हैं, तो वो 5 मेंबर आपको पता है कौन कौन से, एक यूनाइटेड किंगडम, एक USA, एक हो गया फ्रांस, और एक हो गया रशिया, और एक हो गया चाइना, ये 5 आपके परमानेंट मेंबर हैं किसके, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल से। फिर आपसे पूछा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एड किया, तो आंसर है 1942 अमेंडमेंट का हुआ था, 1976 हुआ था, इंदिरा गांधी के टाइम पे, किसकी रिकमेंडेशन थी, तो स्वर्ण सिंह की रिकमेंडेशन में, ठीक है, ये जोड़ा गया था, कौन से आर्टिस्ट में जोड़ा गया था, 51A में, ठीक है, ध्यान में रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली रिलेटेड टू द चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर में सभी को पता है यूनिसेफ में हुआ था, और यूनिसेफ कब मेंबर बना था, तो आपको ध्यान में रखना है 1953 में क्या बना था, यूनिसेफ आपका बना था, ठीक है। फिर आता है देखो आगे, दिसंबर 2019 में लाहौर कांग्रेस कन्वेंशन पुट एम्फसाइज ऑन, अभी मैंने आपको बोला ना उन्होंने क्या किया था कि हमें कोई डोमिनेंट स्टेट नहीं चाहिए, ना हमें कोई रूम चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है, हम पूरे का पूरा तरह से खुद ब खुद करेंगे, और किसने कहा था ये, लाहौर अधिवेशन में जे.एन. नेहरू ने कहा था, पहली अध्यक्षता में इन्होंने ये कह दिया था। अच्छा, इनके पिताजी ने 1928 में एक वो किया था, तो 1928 में इन्होंने कहा था कि हम खुद के लिए वो बनाएंगे, ठीक है, इन्होंने खुद की एक कमेटी को डिजाइन किया था, लेकिन ये वो उसको क्या पूरा नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ द अली जिन्ना,
इस चीज को ध्यान में रखना है। हमें ये कहा जाता है कि डोमिनियन स्टेट यहाँ पे उन्होंने मांग रखना शुरू कर दी थी 1928 से। 1928 में हम बोला कि हम पूर्ण स्वराज करेंगे, यहाँ पे 1928 में डोमिनियन स्टेट की बात चल रही थी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। Who led the बरदोली सत्याग्रह? तो बरदोली सत्याग्रह जो है 1928 का, वो किसने किया था? देखो बरदोली सत्याग्रह ना किसान सभा के द्वारा किया गया था बेसिकली, ठीक है। इसको लीड कौन कर रहे थे, लेड कौन कर रहे थे? तो वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के लिए किया था ये, कौन से किसानों के लिए, और यहीं पे इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी, सरदार की उपाधि, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। बात करते हैं यही, अच्छा यहाँ के लोगों ने, महिलाओं ने, बेसिकली महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन डेक्स इंडेक्स HDI, ये इंडिया में, हम इंडिया के बारे में बात करें, क्या इंक्लूड करते हैं? तो इंडिया में लाइफ एक्सपेंसिव पर कैपिटा और एजुकेशन अटेनमेंट पूरा का पूरा देखा जाता है, तो इससे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिर बात करते हैं LIC कब आई, तो LIC आपको याद रखना है कि 1 सितंबर 1956 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको क्या कहता है, एस्टेब्लिश किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 1956, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट विच सेक्टर इन इंडिया द मैक्सिमम ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग ऑब्टेन। देखो सबसे ज्यादा अकॉर्डिंग टू द एज पर द 2019 के हिसाब से हम बात कर रहे थे, 2019, तो इंडिया ने जो टोटल GDP जो था हमारा था वो था 22 लाख करोड़, ठीक है। मैं एक वो दे रहा हूँ, मोटा मोटा आपको आइडिया दे रहा हूँ, तो 22 लाख करोड़ में से लगभग 15 लाख करोड़ एक ही सेक्टर से आया था जिसका नाम था हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछा कि कौन सा सेक्टर से आएगा, तो हाउस होल्ड सेक्टर से आएगा। फिर दूसरा नंबर पे क्या था, दूसरे नंबर पे आपका प्राइवेट सेक्टर था, तीसरे नंबर पे आपका पब्लिक सेक्टर था, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, तो सबसे पहले फर्स्ट फाइव ईयर प्लान आया था 1951 से 1956 तक। इसके जो चेयरमैन थे, इस प्लान के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, अपने JL नेहरू, ठीक है, अपने JL नेहरू जो हमारे उस समय के प्रेसिडेंट थे वो उसके चेयरमैन थे। अच्छा वाइस चेयरमैन कई बार पूछ लेता है, तो आपको करना है गुजारी लाल, ठीक है, नंदा जी गुजारी लाल के अंदर थे। और इसी प्रोजेक्ट को ना, इस फाइव ईयर प्लान को अगर मैं क्या बोलते हैं एक उपनाम देने की कोशिश करूँ किस मॉडल पे आधारित था, तो आपको याद रखना है हैरोल्ड दामोर मॉडल पे क्या था ये बना था। और बेसिकली इस वाले प्लान में क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या था, ज़्यादा इन्होंने क्या था फोकस करने की कोशिश की थी, किस पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, डैम्स में एंड इरिगेशन में, इन तीनों चीज़ों में इन्होंने क्या किया था, ज़्यादा वो किया था, तो आपको ध्यान में रखना है। तो चेयरमैन कौन थे, JL नेहरू, वाइस चेयरमैन कौन थे, गुजारी लाल नंदा, कौन से मॉडल पर आया था, हैरोल्ड डामोर मॉडल पे आधारित था, एग्रीकल्चर डैम्स एंड इरिगेशन इनका मेन प्रोजेक्ट से, ठीक है। इस चीज में कौन सा मेटल है जो जिसको चाकू से काटा जा सकता है, इसका नाम है सोडियम, ठीक है। सोडियम क्या है, बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत ही रिएक्टिव भी होता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। अगर हम इसको कैरोसिन के अंदर रखेंगे, ठीक है, अगर हम इसको पोटेशियम एंड सोडियम क्या होता है, इनको कैरोसिन के अंदर रखा जाता है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, अगर ये हवा के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है तो ये जल जाता है, लेकिन ये बहुत हल्का होता है सोडियम, जिसको आप चाकू से भी काट सकते हो। द केमिकल नेम ऑफ सी, विटामिन सी, तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखेंगे। हैवी वाटर क्या होता है, हैवी वाटर एक मॉडरेटर होता है, किसमें, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एक मॉडरेटर जैसे काम करता है, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनीमिया, तो देखो एनीमी क्या होता है, एनीमिया होता है खून की कमी होना, खून की कमी किस कारण होती है, तो वो B6 और B12 के बारे में होती है। जो B12 होता है उसमें कोबाल्ट की प्रेजेंस होती है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि B12 में क्या है, कोबाल्ट, ठीक है, उसका नाम अगर आपसे पूछा कोबाल्ट किससे पाया जाता है, तो B12 में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज रिफर्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, तो RBC का कब्र गहा कहाँ है, वो स्प्लीन में है, ठीक है, बोन मैरो में। देखो जो बड़े लोग होते हैं उनमें बोन मैरो में क्या होता है, आपकी RBC बनती है, ठीक है, फॉर्म होती है, और मरती कहाँ पे, स्प्लीन में। लेकिन जो छोटे छोटे नवजात बच्चे होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे, उनकी जो RBC है वो स्प्लीन में ही फॉर्म होती है, ठीक है, स्प्लीन में ही फॉर्म होती है, और स्प्लीन में ही क्या होती है, डेड होती है, ये चीज का ध्यान रखना। तो अगर आपसे पूछा छोटे से नवजात जो बच्चे होते हैं उनमें स्प्लीन जो RBC थी कहाँ फॉर्म होती है, तो वो आपकी फॉर्म होती है किसमें, स्प्लीन में, और डेड होती है स्प्लीन में, ठीक है। लेकिन बड़े उम्र में क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, तो स्प्लीन में डेड होती है और बड़े उम्र में क्या होती है, बनती है, ठीक है। वेन द आइस मेल्ट्स इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम क्या होगा, वो इंक्रीज डिक्रीज होगा, सॉरी क्यों होगा डिक्रीज बताओ, तो आपको समझा देता हूँ क्यों होगा। देखो आप जानते हो कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब मैंने वॉल्यूम को इधर लिखा, मास अपॉन डेंसिटी कर दी, ठीक है।
अब देखो जब आइस है, आइस क्या होगा, गलेगी, गलेगी तो वाटर क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, किसकी, वाटर की, और आइस की डेंसिटी क्या थी, कम थी, है ना, तो वाटर की जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज होगी। अगर वाटर की डेंसिटी अगर इंक्रीज होगी मेरे भाई, तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना, क्योंकि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ जाएगा डिक्रीज। ओके, होप सबको समझ आई होगी। द प्लांट एड वाटर टू द एटमोसफियर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। हम उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं, कि जो वो क्या करता है, अपनी पत्तियों से एटमोसफियर में पानी छोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, आरबीआई के गवर्नर का टेनर कितना होता है, यहाँ पे 3 साल का होता है। आपने अभी सुना होगा शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास का टेनर 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो 3 मतलब अब वो 6 साल का टेनर करेंगे, जबकि आरबीआई गवर्नर का 3 साल बाद वो क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। इंडियन फेडरेशन क्लोजली असेंबल टू विच फेडरेशन, तो कनाडा के जो, कनाडा का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उनका जो ढांचा है, पूरा का पूरा ढांचा है, वो किससे है, हमारे से रिलेटेड है या हम उनसे रिलेटेड है, इसको आपका ध्यान रखेंगे। 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, 2005 में, 2005 में ये था रिजर्वेशन ऑफ द ओबीसी, जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग था ना, पिछड़े वर्ग को क्या कहते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सीट रिजर्व करने के लिए 2005 में लेके आया गया था। ठीक है, तो बेसिकली रिजर्वेशन ऑफ द ओबीसी इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय, सबको पता होगा इलेक्शन कमीशन कौन से, उसमें 324 में आता है हमारा इलेक्शन कमीशन आर्टिकल, ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सभी को पता होगा ऑलमोस्ट जो तैयारी कर रहा है 2005 में। इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया, तो इलेक्शन कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, लीगल इंस्टीट्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। अब कई लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर स्टैट्यूटरी है, तो स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है ना दोस्तों, जिस चीज का भी मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहलाएंगी। लेकिन जिनका मेंशन नहीं है, कोई ना कोई एक्ट लेके या कोई ना कोई ऑर्डिनेंस पास करके जो लेके आई जाती है, उन्हें हम बोलते हैं क्या, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशन में ये छोटा सा मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, ताकि आप हल्का ध्यान रख सकें, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी क्यों, क्योंकि आर्टिकल 324 मैंने आपको बताया ना अभी, 324 में क्या है आपका, इलेक्शन कमीशन है, तो 324 में इलेक्शन कमीशन है। अब मैं कुछ कुछ आपको ना बता रहा हूँ, वो आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, आपके कई बार, सिर्फ मैं यूके पी लोअर पीसीएस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए क्या कह रहा हूँ कि जो भी एग्जाम होंगे उनमें आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे 280, चलो पहले 76 में अटर्नी जनरल के बारे में बताया गया ऑफ इंडिया के बारे में, तो आर्टिकल 76 ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, फिर आता है आपका, फिर आपका आता है 148 कैग, कैग में आपका आ जाएगा क्या, आपका ये भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, 243 आई और 243 के, ये भी आपको याद है, ये स्टेट फाइनेंस है। ठीक है, स्टेट फाइनेंस के बारे में बताता है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है, और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है, ये भी क्या है आपके, कॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर आपका आता है 263 आर्टिकल में, ये इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बताता है, आईएससी के बारे में बताता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है आपका 338, ठीक है, ये बताता है आपका नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, ठीक है, एससी के बारे में बताता है 338, और 338 के अंदर ही इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोड़ा था जिसको हम बोलते हैं ए, जिसे हम बोलते हैं एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब। फिर इसी में इन्होंने एक और जोड़ा 338, ठीक है, बी, जिसे हम बोलते हैं एनसीबीसी, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास। तो 338 में ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है 339, ये बताता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में, एरिया, इनसे एरिया के बारे में बताता है। ठीक है, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बताता है 339 आर्टिकल। फिर आता है 340, ये बताता है बैकवर्ड क्लास के एरिया के बारे में, सॉरी बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में बताता है। ठीक है, 340 आर्टिकल। फिर आता है 344, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस बताता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। और 350 बी क्या होता है, ये बताता है स्पेशल ऑफिशियल फॉर द लिंग्विस्ट, स्पेशल ऑफर फॉर द लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ठीक है, तो ये इनके बारे में बताता है। ठीक है, स्पेशल फॉर द लिंग्विस्टिक 340 बी, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक और मैं अगर भूल रहा हूँ, 280 आर्टिकल, 280 का फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको पता ही होगा। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने, अपने कॉपी में नोट्स बना दीजिए, याद रखिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में 101% आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, गारंटीड बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगा ये देखने के लिए, इनमें से कुछ ना कुछ आपको हर बार मिलता रहेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, तो आपका जो इलेक्शन कमीशन हो गया वो आपका क्या करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई।
फिर आता है प्रोटेम स्पीकर। देखो जब भी इलेक्शन होता है ना, तो जब इलेक्शन जाके वहाँ सीधे कोई ना कोई आपका क्या हो जाएगा, स्पीकर थोड़ी चुन जाएगा। तो क्या होता है, स्पीकर वहाँ पे ना जो भी सबसे ओल्डेस्ट पर्सन होगा, ओल्डेस्ट पर्सन होगा उसको बना दिया जाएगा आपका टेम्प्ररी क्या स्पीकर। और उसको नियुक्त कौन करता है, सॉरी प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट उसे क्या करता है, नियुक्त करता है। तो उसे प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। प्रेसिडेंट करता है, फिर वहाँ पे वोट होती है, फिर वहाँ पे इलेक्शन होता है, फिर वहाँ पे स्पीकर चुना जाता है। ठीक है ना, इसके बारे में जो टेम्प्ररी बोलते हैं उसे प्रोटेम बोलते हैं। ठीक है, वो कौन होता है, ओल्डेस्ट पर्सन होता है, और उसको नियुक्त कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इंग्लिश होती है। ठीक है, इंग्लिश क्या है आपकी सुप्रीम कोर्ट की क्या है लैंग्वेज है, ये कौन से आर्टिकल में, 348(1) में आर्टिकल में आ जाता है। और 343 क्या है, हिंदी, हिंदी को बोला कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, फिर आते हैं आपका विच ऑफ द सोशल रिलीजियस मूवमेंट रेज द वॉइस ऑफ फेवर द डिप्रेस क्लास। देखो सबका आपको पता है कि सत्यशोधक सभा, सत्यशोधक समाज सभा कौन लेके आया था, तो ये आपके लेके आए थे ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले ने जो पिछड़े वर्ग है ना उनके उत्थान के लिए क्या बनाई थी, ये बनाई थी सभा। ठीक है, और ये कब बनी थी, यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए, तो कई बार पूछता है। 1873 में सत्यशोधक समाज जो बनाया गया था, ज्योतिबा फुले द्वारा बनाया गया था 1873 में, जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए। लेकिन और चीजें जब दिख रही है तो आपको डिस्कस कर लेते हैं, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा आर्य समाज, आर्य समाज किसने खोजा फिर, तो ये नाम है दयानंद सरस्वती ने। कब खोजा था, 1875 में खोजा था दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, तो मूला शंकर, इसको भी ध्यान में रखना, कई बार पूछा जाता है इसलिए बता देता हूँ, मूला शंकर। ठीक है, ब्रह्मो समाज क्या था, ब्रह्मो समाज 1828 में आपका कोलकाता में खोला गया था, किसके द्वारा खोला गया था, तो इनका नाम है आपका राजा राम मोहन रॉय, मेरे मुंह से निकल रहा था बाबू राय। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में कोलकाता में खोजा था, इन्हीं से बाद में, इन्हीं की प्रेरणा से और इन्हीं के उससे 1829 में आपका अबॉलिश किया था आपका सती प्रथा, सती प्रथा। ठीक है, ओके, सती प्रथा की थी किसने, विलियम बेंटिक ने। ठीक है, अच्छा चलो, सती प्रथा इसने अबॉलिश की, ठगों का वो किसने किया था, आप कमेंट करके बताओगे कौन से गवर्नर जनरल ने किया था। ठीक है, ठगों का आप लोग कमेंट करके बताओगे मुझे, ठगों का किसने वो किया था। ठीक है, तो अच्छा प्रार्थना समाज ही बच रखा है, प्रार्थना समाज के किसने किया था, आत्मरंगा पांडुरंगा ने किया था, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से लेकर आत्मरंगा पांडुरंगा ने क्या किया था, आत्मरमा पांडुरंगा ने किया था प्रार्थना सभा की वो की थी। ठीक है, अच्छा कौन सी ईयर में की होगी, तो 1867 में की थी, तो इस चीज को भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, एयर के साथ मैंने आपको बता दिया। कबीर वॉज बॉट ऑफ द मुस्लिम वीवर फैमिली, तो देखो दो बंदे थे, इनका नाम था नीरू एंड नीमा, नीरू एंड नीमा एक मुस्लिम परिवार था है ना बुनकरों का, जिन्होंने क्या कहता कबीर को कहता है, और कबीर को कई बार हिंदू हिंदू का बहुत महत्वपूर्ण सेंट माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसको वो किसने किया था, वो कहता वहाबाबी मूवमेंट, तो देखो भाई वहाबाबी मूवमेंट क्या होता है, राय बरेली में चला था सबसे पहले, राय बरेली में चला था, किसके द्वारा चलाया था, सैयद अहमद द्वारा चलाया गया था। ठीक, सैयद अहमद द्वारा चलाया गया था, 1700 से 1800 के बीच में चलाया गया था। ठीक है, 5631 होगा, डेट मुझे याद नहीं है ढंग से अभी आ रही, लेकिन रायबरेली में चला गया सर सैयद अहमद खान द्वारा वहाबाबी मूवमेंट। ये वहाबाबी मूवमेंट क्या था कि जो भी आपका क्या हो रहा है, जो भी सोशल रिफॉर्म हो रहे हैं ना, है ना, कि इस्लाम खतरे में है इस तरह से जो भी वो था, तो उसके अगेंस्ट जाना था। ठीक है ना, कि जो भी सोशल रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो होने नहीं चाहिए इंडिया में, है ना, ये क्योंकि इस्लाम के खिलाफ है, तो वो क्या कर रहे थे, इनका अपोज करते थे जो भी सोशल रिफॉर्म हो रहे थे, तो वहाबी मूवमेंट यही इसलिए था। और कहाँ हुआ था, रायबरेली में हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, सैयद अहमद के द्वारा हुआ था। वो इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी अकबर ने स्टार्ट की थी 1571 में, आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा कितने मनसबदार थे, 29 थे। ठीक है, वट इज द मीन बाय वाली इन द वैदिक पीरियड, वाली, देखो बाली क्या था ना, बाली क्या था, टैक्स था मतलब। ठीक है, कि टैक्स कलेक्शन जो होता था ना, टैक्स कलेक्शन, उसको बोलते थे बाली। और करता कौन था, तो उसे भगदूग बोलते थे, भगदूग। ठीक है, भगदूग, तो भगदूग क्या करता था, ये कलेक्टर था, और जो टैक्स था ना उसको बोलते थे बाली। तो बेसिकली इट इज अ गिफ्ट टू द रूलर बाय द सब्जेक्ट्स, तो राजा को दिया जाता था टैक्स के रूप में ना, तो ये हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर बातें बुलंदर राजा किसने बनाया था, बुलंदर राजा अकबर ने बनाया था, कहाँ बनाया था, फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, और बहुत सारी चीजें इसने फतेहपुर सिकरी में बनाई है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बुलंदर राजा कब बना था, 1602 में बना था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूलर हैड इंट्रोड्यूस इक्ता सिस्टम। तो देखो भाई इक्ता सिस्टम किसने किया था, इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, ठीक है, और इसको अबॉलिश करने वाला इसी के नीचे बैठा हुआ है, ठीक है, इसने अबॉलिश कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्ता सिस्टम किसने खत्म किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने खत्म किया था। ओके, विच सतवाहा किंग डेजिनेटेड हिमसेल्फ एक ब्राह्मण, तो एक ब्राह्मण नाम का टाइटल किसने लिया था, ये टाइटल किसने लिया, तो ये टाइटल भाई एक ही बंदा ले सकता है, इसका नाम है गौतमीपुर शक्तिकर्णी। ये सतवाहनों का सबसे बेहतरीन और सबसे ताकतवर किंग था, कौन, गौतमीपुर शक्तिकर्णी। और इसी ने क्या था कि अपनी माता का नाम अपने नाम के पीछे लगाया था, सॉरी माता का नाम अपने नाम के आगे लगाने वाला भी किंग यही था, जिसका नाम था गौतमीपुत्र, ठीक है, इसकी माता का नाम था गौतमी और उसका पुत्र था शक्तिकर्णी, ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा क्या था, पावरफुल किंग था, किसका, सतवानों का। ओके, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज राउटर इज, देखो वैसे बेसिकली राउटर क्या करता है ना, कोई भी नेटवर्क होता है, जैसे यहाँ से कोई नेटवर्क आया, अब इसको लॉन्ग रूट में भेजना है, तो ये क्या करता है, इसको इनहेंस करके आगे भेज देता है, तो ये राउटर होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका ना आउटपुट होना चाहिए था कि राउटर क्या आउटपुट है, लेकिन कई बार ना राउटर ना एक सीपी, अगर राउटर को हम सीपीयू के साथ जोड़ते हैं तो इनपुट के जैसे काम करता है, ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर मेरे हिसाब से आउटपुट होना चाहिए था, लेकिन आई एम नॉट श्योर, ठीक है ना, तो मैं आउटपुट मारता, तो मैंने आपको आउटपुट बता दिया है, ठीक है। ओके, HTML क्या है, HTML एक डोमेन होता है, जैसे हम डोमेन लगाते हैं ना .com, .in, .gov, तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, HTML एक खुद में क्या है, डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, TCP, TCP क्या होता है, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, जैसे IP होता है ना IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वैसे TCP। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओरेकल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, SQL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, आपका पाइथन एक लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फॉक्सट्रॉन आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन आपकी VB कोई भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, तो हम इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट आता है जीरोफाइटिक प्लांट, तो कुछ जीरोफाइटिक वो होते हैं जैसे डेजर्ट में होते हैं, जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, तो इनकी पत्तियां क्या होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, जिससे ट्रांसपीरेशन ज़्यादा ना हो पाए, ठीक है, ये पानी लूज ना कर ले, ठीक है, तो ये होंगे कहाँ पे, डेजर्ट में, डेजर्ट वाले इलाके में, ठीक है, जहाँ पे डेजर्ट वगैरह होंगे वहाँ पे आपको पाए देंगे। बेसिकली आपने वो देखे कांटे वाले, क्या बोलते हैं उन्हें, कैक्टस वगैरह जो होते हैं वो आपके इसमें होते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। तो होप सो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको मजा आया होगा, तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो हमारे साथ जुड़े एजुडे एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, और दूसरों को भी बताएं जो कि एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहते हैं, ठीक है ना। अगर आपको जुड़े हमारे टेलीग्राम जो चैनल में जरूर जुड़े, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको टेलीग्राम चैनल में नहीं मिल पा रहा है हमारे चैनल का लिंक, तो इस वाले नंबर पर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दें कि आपको ग्रुप में जुड़ना है, मैं आपको जोड़ दूंगा। और होप सो आपके मार्क्स अच्छे आए हों, मेरे हिसाब से अगर मैं 85 का 60% निकालूंगा तो लगभग 50 मार्क्स, जिसके 50 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आए होंगे वो क्या होगा, इसमें सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस पेपर में कट ऑफ हम 50+ मार्क्स रखेंगे। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।